हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्लांट टिश्यू, है ना। टिश्यू को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, है ना। टिश्यू विच फॉर्म द बॉडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू। इसके बारे में अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब आता है दूसरा टिश्यू, एनिमल टिश्यू। द टिश्यू विच फॉर्म द बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को क्लासिफाइड करते हैं फोर टाइप्स में। पहला होता है फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू है, विच फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द ऑर्गन्स आउटसाइड एंड इनसाइड। कनेक्टिव टिश्यू कॉमनली कॉल्ड बाइंडिंग टिश्यू, विच बाउंडेड द ऑर्गन्स इंटरनली, ऑर्गन्स बाउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, एंड नर्वस टिश्यू विच कैरी इम्पल्सेस एंड फॉर्म द नर्वस सिस्टम। एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाइड इंटू फाइव टाइप्स, स्क्विमोसस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। इन सभी टिश्यू के बारे में अपन एक एक के बारे में देखते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू को सेवन टाइप्स में डिवाइड किया है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरीके से मसल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। ऐसे चार टाइप्स के टिश्यू हैं, ठीक है। अब अपन फर्स्ट देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू द कवरिंग आर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल्स बॉडी कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। इट इज द सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है, विच कवर द इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज। जो बॉडी की कैविटीज होती है उनकी लाइनिंग करता है एपिथेलियल टिश्यू। इट ऑल्सो फॉर्म बैरियर टू द कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। एक तरीके से बॉडी सिस्टम्स के बीच में बैरियर का भी वर्क करता है। ये टिश्यू होता कहाँ है? यह होता है स्किन के अंदर, माउथ के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, लंग्स के अंदर एंड किडनी। इनसे यह एपिथेलियल टिश्यू इन ऑर्गन्स के अंदर होगा, ठीक है, उसकी लाइनिंग फॉर्म करेगा। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द सेल, एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। फर्स्ट स्क्विमोसस एपिथेलियल टिश्यू, दिस टिश्यू फॉर्म स्किन, स्किन फॉर्म करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो कवर द इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। इसोफेगस इट इज ए फूड पाइप थ्रू विच फूड पासेस इनटू द स्टमक। तो इसोफेगस के लाइनिंग फॉर्म करेगा, माउथ की लाइनिंग फॉर्म करेगा। सेल्स जो हैं इसके टाइल्स के समान होंगे ऐसे, ठीक है। ये सेल्स दिख रहे हैं, देखो एक एक के अंदर अपना न्यूक्लियस होगा इसका, जो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ सेल्स का शेप क्यूब लाइक हो जाएगा, जैसे बर्फ आइस के क्यूब्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जैसा शेप बन जाता है। न्यूक्लियस राउंडेड शेप में होता है। ये भी फॉर्म करते हैं किडनी की लाइनिंग और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। माउथ के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, विच सिक्रेट द सलाइवा। सलाइवा इट इज अ वाटरी सब्सटेंस। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन। ये टिश्यू का वर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन करना, इम्पोर्टेंट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है, एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है और सिक्रेशन करता है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है। ये देखो डायग्राम में, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। सारे सेल्स क्यूब लाइक दिख रहे हैं, न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके सेल्स कॉलम लाइक होंगे, सारे सेल्स एक मेम्ब्रेन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। इनका न्यूक्लियस इलोंगेटेड होगा और ओवल शेप फॉर्म करेगा। यह कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में होगा। इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स हैं,
ठीक है, जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी हम फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। तो वहां पर जो ये सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, कॉलमनर सेल्स होंगे, क्योंकि इनके सेल्स कॉलम लाइक या पिलर लाइक दिखते हैं, इसलिए इनको कॉलमनर एपिथेलियल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स कॉलम लाइक ही है, न्यूक्लियस भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इनमें चेंज क्या आएगा, इनके अंदर सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे, इनको सीलिया बोलते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, नोज के अंदर भी होंगे, जो हेयर्स होते हैं उनको ही हम सीलिया बोल सकते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं अंदर जाने से। ठीक है, ऐसे ही किडनी के ट्यूब्यूल्स का लाइनिंग भी कौन बनाता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, सेल सारे कॉलम लाइक होंगे। फिर इसी तरीके से होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ कुछ सेल्स कॉलमनर ही होंगे, लेकिन कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं किसके अंदर, ग्लैंड्स के अंदर, इसको हम म्यूकस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर या इसोफेगस के अंदर जिलेटिनस सब्सटेंस का सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण फूड इजीली स्लिप डाउन हो जाता है। तो यह ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। तो ये भी किससे फॉर्म होता है, एपिथेलियल टिश्यू से होता है। मल्टी सेलुलर भी हो सकती है ग्लैंड, अने कई सेल से मिलकर भी बन सकती है ग्लैंड। तो यहाँ एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है कंप्लीट। एपिथेलियल टिश्यू के बाद में नेक्स्ट टिश्यू आता है एनिमल्स का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम बाइंडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स को बाउंड करके रखता है, ठीक है, अपनी पोजीशन पर बनाए रखता है, ठीक है। तो टिश्यू दैट कनेक्ट आर बाइंड वेरियस सेल्स एंड वेरियस टिश्यू आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड लिविंग एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये सेल्स इसके लूजली होंगे और फाइबर्स होंगे इनके अंदर, कई टाइप के सेल्स भी होते हैं, कुछ फ्लूड होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ये जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूडी भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, रिजिड यानी हार्ड भी हो सकता है। तो इस टिश्यू के अंदर हमको मैट्रिक्स के नेचर अलग अलग होंगे, सेल्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ब्लड, ब्लड एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है, इनके अंदर इनका मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूडी नेचर का होता है, और इनके अंदर सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, फाइब्रोसाइट सेल्स भी होते हैं, आरबीसी भी होता है, ऐसे कई सेल्स होंगे इनके अंदर। प्लाज्मा आल्सो कंटेन प्रोटीन साल्ट हार्मोन्स, एक प्रोटीन साल्ट हार्मोन्स बनाएगा। ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस एंड हार्मोन्स विटामिन्स, डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई होता है ब्लड, ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स पास ऑन होंगे, गैस पास ऑन होंगे और हार्मोन्स पास ऑन होंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को। अब इनमें सेल्स कौन कौन से होते हैं ब्लड्स के अंदर, जिनको हम ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। आरबीसी होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, देखो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, स्फेरिकल्स होंगी, ठीक है, या बायकान के होंगी। रेड ब्लड सेल, इसका वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये काम करते हैं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम सोल्जर ऑफ अवर बॉडी भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, फाइट अगेंस्ट द डिसीज, ठीक है, डिसीज से फाइट करती हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं या डब्ल्यूबीसी। ये इरेगुलर शेप में होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स, ये कई हेक्सागोनल और पॉलीगोनल इन शेप में होते हैं या स्पाइंडल शेप में होती हैं। तो ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो प्लेटलेट्स उनको क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह होता है ब्लड, ब्लड रेड कलर का होगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब नेक्स्ट आता है बोन कनेक्टिव टिश्यू। यह स्ट्रांग होगा, नॉन फ्लेक्सिबल होगा, ये फ्रेमवर्क फॉर्म करेगा हमारी बॉडी का, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। तो ये फ्रेमवर्क करेगा जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है।
इसका मैट्रिक्स जो है प्रोटीन से बनता है, सॉल्ट से बनता है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, इनसे हमारी बोन्स बनती हैं। ठीक है, तो यह इट आल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द ऑर्गन्स, यह मसल्स को और ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए होती हैं बोन्स। ठीक है, फिर इनकी नेक्स्ट टाइप होता है लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू, ये भी फाइब्रोसाइट सेल से बनते हैं, लेकिन इनके फाइबर कैसे होते हैं, येलो फाइबर होते हैं या इलास्टिक फाइबर बोलते हैं इसको, इलास्टिन फाइबर, ये एक टाइप के प्रोटीन्स होता है उससे बनते हैं, इलास्टिक नेचर में होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी। ये क्या करता है, लिगामेंट टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लिगामेंट्स करता है। ये होते हैं लिगामेंट्स। फिर नेक्स्ट आता है टेंडन। टेंडन जो है व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह इन इलास्टिक नेचर में होता है, इसी व्हाइट फाइबर्स को हम कोलेजन प्रोटीन भी बोलते हैं, कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं। यह क्या करता है, यह बोन्स को मसल्स को कनेक्ट करता है, द टेंडन कनेक्ट द बोन्स टू द मसल्स, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करेगा। टेंडन हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, इसको हम टेंडन बोलते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है कार्टिलेज। इसका मैट्रिक्स सॉलिड होगा, कोंड्रीन प्रोटीन से बनेगा, कोंड्रीन प्रोटीन और शुगर से बनता है, यह सॉफ्ट टिश्यू होता है। यह कहाँ होगा, इट इज फाउंड इन नोज, हमारी जो नोज की बोन होती है ये कार्टिलेज से फॉर्म होती है। ईयर हमारा फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ सकता है ईयर, ये भी कार्टिलेज से फॉर्म होता है। ट्रेकिया हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन पास ऑन होती है हमारे लंग्स में, ये ट्रेकिया होता है जो नेक रीजन पर होता है। और लैरिंग्स, यह भी नेक रीजन पर होगा, साउंड बॉक्स होगा, तो इनकी भी लाइनिंग कौन फॉर्म करेगा, कार्टिलेज फॉर्म करेगा। फिर नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यह स्किन और मसल्स में होगा, ब्लड वेसल्स के चारों ओर होगा। ठीक है, यह लूज और सेलुलर टाइप का टिश्यू होता है, इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। यह ऑर्गन्स के बीच बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें फिलअप होता है और ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट कारण है, इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, हमारे टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करता है। इसके सेल्स हम देख सकते हैं, ये रेटिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं, देखो कई रेटिकुलिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर दिखते हैं इनके अंदर। फिर हमको व्हाइट फाइबर्स दिखते हैं, ये ब्रांच दिखते हैं ऐसे, कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिनसे ये फाइबर बनने का काम होता है, कुछ मास्ट सेल्स होते हैं और कुछ प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और ये बीच बीच में जो डॉट डॉट बने हुए हैं ये सब क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसी तरीके से एडिपोज टिश्यू होता है, यह फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, यह अधिकतर हमारे एब्डोमेन के चारों ओर, मतलब बेली के चारों ओर, पेट के चारों ओर होगा, स्किन के चारों ओर होगा, स्किन के अंदर होगा। यह एक वर्क करता है, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फैट्स, इंसुलेटर का वर्क करेगा, फैट को स्टोरेज करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा हमको, एनर्जी प्रोवाइड करेगा एक तरह से। तो यह होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग टाइप्स अपन ने देख लिए। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर का टिश्यू आता है मस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट्स के लिए, जिसके कारण हमारे लिम्स, ये फोर लिम्स, हाइंड लिम्स जिनको हम हाथ बोलते हैं, फोर लिम्स होते हैं, पैर जिनको हम हाइंड लिम्स बोलते हैं, इनकी मूवमेंट होती है जिसके कारण हम लोकोमोशन कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनादर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो यह वर्क करने का काम करती है मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन होता है, इसको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, विच कॉन्ट्रेक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जिनके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही मूवमेंट पॉसिबल होती है। अब मस्कुलर टिश्यू को तीन टाइप में डिवाइड किया है, स्ट्राइटेड मस्कुलर मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं
ये हमारे लिम्स में होती हैं, ठीक है। इन मसल्स, इन्हीं मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन से होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। हमारी इच्छा हो जाए तो हम हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने आप हाथ ऊपर नीचे नहीं होगा, तो ये क्या होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है। इन मसल्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, कई न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो है फाइबर्स रहते हैं, जिनको हम मसल्स फाइबर्स कहते हैं। ये मसल्स अनब्रांच्ड होती है, कैसी होती है, कहीं पर इससे ब्रांचेस नहीं निकली हुई दिखाई देती। इनके अंदर डार्क और लाइट बैंड भी दिखाई देते हैं, हमको डार्क स्ट्रक्चर और लाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट होती है अनस्ट्राइटेड मसल्स, इसको हम स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं, इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं। ये मसल स्पाइंडल शेप में होती है, जिसके दोनों एंड टेपरिंग होते हैं और सेंट्रल पार्ट जो है स्वेल अप होता है, इसको हम स्पाइंडल शेप बोलते हैं, ऐसे शेप को। यह इनवॉलेंट्री मसल्स, ये कहाँ होगी, इसका कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन से नहीं होता, इसलिए हम इसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती हैं। आयरिस ऑफ द आई, हमारे आंख का जो पर्दा रहता है आयरिस, उसको बोलते हैं व्हाइट, ये जो व्हाइट दिखता है इसको। फिर इन यूरेटर, यूरिन जिससे पास होती है, ट्यूब उसको बोलते हैं यूरेटर, उसके अंदर भी ये मसल्स होती हैं, लंग्स के अंदर भी ये मसल्स होती हैं, और यह यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। देखो अब नेक्स्ट मसल्स आती हैं कार्डियक मसल्स, यह भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, लेकिन कहाँ होती है, हार्ट में होती हैं। दे परफॉर्म रिथमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरे जीवन पर्यंत जो है हार्ट को वर्किंग कराती हैं, हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन कराती हैं, रिलैक्सेशन कराती हैं, जिसके कारण ब्लड पंप होता है बॉडी के सब पार्ट्स को। तो यह मसल्स जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्ट का सारा वर्किंग इन मसल्स पर डिपेंड करता है। तो ये कार्डियक मसल्स होती हैं, ये सिलेंड्रिकल मसल्स होंगी, यूनि न्यूक्लिएटेड होंगी, परंतु ब्रांच होंगी, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं, देखो ब्रांच होती है मसल्स, ठीक है। इन मसल्स के अंदर न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, यूनि न्यूक्लिएटेड है ये सब, और इनके अंदर डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, यानी बैंड दिखाई देते हैं। कुछ डिस्क दिखती है सेल्स के बीच बीच में, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। तो ये कार्डियक मसल्स होती हैं, जिसका वर्किंग होता है हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कराना। अब लास्ट टिश्यू आता है एनिमल टिश्यू का, फोर्थ टिश्यू नर्वस टिश्यू, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। हमारा सारी बॉडी का कंट्रोलिंग कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है, नर्वस सिस्टम करता है। ये नर्वस सिस्टम भी फॉर्म किससे होता है, नर्वस टिश्यू से, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट लेसन में कि ये कैसे हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स है हमारी बॉडी की, या लार्जेस्ट सेल्स है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, जो 90-100 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होती हैं। ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स जो हैं नर्व इम्पल्सेस, मतलब स्टिमुलस, आपको कोई ने पिंच किया तो यह पिंच आपको पूरा मैसेज इन नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है, और फिर ब्रेन ऑर्डर भेजता है कि हमको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप पर उसको चांटा मारना चाहिए, हाथ हटा लेना चाहिए, ठीक है। तो यह कौन करवाता है, नर्वस टिश्यू करवाता है। ये स्पेशलाइज टिश्यू होता है, अलग अलग पार्ट्स में फॉर्म होता है, इसकी सेल बॉडी होती है जो पॉलीगोनली शेप में होती हैं, न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन होगी, फिर एक व्हाइट फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है, जो इम्पल्सेस को पास ऑन करता है। फिर आते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। तो यहाँ बॉडी ऑफ सेल से ऐसे कई प्रोसेस निकले होते हैं, इनको हम डेंड्रॉन बोलते हैं, और ये बायफर्केट होकर डेंड्राइट्स बनाते हैं। फिर ये जो बॉडी है सेल्स की, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस होगा और निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, ठीक है। फिर ये एक फाइबर्स होगा जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, और आखिर में नर्व एंडिंग फाइबर्स होते हैं। तो जो भी मैसेज आएगा वो पहले कहाँ आएगा, डेंड्रॉन के पास में, डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स में जाएंगे इम्पल्सेस, फिर कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी के अंदर जाएंगे, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं या साइटॉन बोलते हैं, इसको हम सेल बॉडी और साइटॉन।
तो ये साइटोन में जाएंगे, यहां से इम्पल्सेस पास होंगे किसके अंदर, एक्सॉन के अंदर, और जब ये एक्सॉन के अंदर पास ऑन होंगे तो यहां से इम्पल्स, अने नर्व्स कैसे बनती है, फिर दूसरा न्यूरॉन इसी से कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है, उसके डेंड्राइट इससे कम्युनिकेट हो जाते हैं और यहां पर एक नॉब बन जाती है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। जिसके कारण इम्पल्सेस अब दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे, ऐसे न्यूरॉन कई कनेक्ट होते जाते हैं और ये सारा मैसेज फिर ब्रेन को पहुंचता है। तो ये जो साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ पर एक सब्सटेंस होता है केमिकल, आपको याद नहीं रखना है, बाकी रह जाए तो ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है, वो एसिटाइल कोलिन केमिकल्स के थ्रू मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है और ऐसे पहुंचते होते ब्रेन में पहुंच जाता है। तो अपन ने यहाँ पर टिश्यू चैप्टर के अंदर अपन ने पहले प्लांट टिश्यू पढ़ा, एक एक टाइप्स के टिश्यू पढ़े, बेरेस्मेटिक टिश्यू पढ़ा, परमानेंट टिश्यू पढ़ा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा, है ना, फिर अपन ने एनिमल टिश्यू के अंदर सारे टिश्यू चारों टाइप के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इन सारे टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देंगे। तो ये वीडियो पूरा हो गया आपका टिश्यू चैप्टर का, अब इसके में क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ देते हैं।